अजय चौटाला ने फिर बदजुबानी करी है किसान आंदोलन की तरह पहलवानों के आंदोलन पर, और सारे साथी इस वीडियो को इस लाइव को दबा के शेयर कर दो, और जो अजय चौटाला है उसको मुंह तोड़ जवाब दे दो, सारे भाई जुड़ेंगे। थोड़ी देर पहले अजय चौटाला का बयान आया है और आप लोगों की मौजूदगी में अजय चौटाला को जवाब देंगे, और साथियों सारे जुड़ जाओ और इस लाइव को शेयर कर दो दबा के, सारे भाई इसको शेयर करो और एक बार बयान सुन लो, अजय चौटाला का बयान क्या आया एक बार सुना भी दो। खिलाड़ी पहलवान बैठे जंतर मंतर पे, उस पे जेजेपी का स्टैंड एक बार फिर से क्लियर हो जाए, क्योंकि बारिश में पड़ा बताते हैं कि तंग हुए हैं। जो डिमांड उनकी थी वो सरकार ने मान ली, उन्होंने जो मुकदमा दर्ज करने का बात की थी वो मुकदमा दर्ज कर दिया, जो इंक्वायरी कमेटी बनाने की बात की थी दो दो कमेटी बनी हुई है। ब्रजभूषण तो भारी है जी, वो कह रहे हैं कि उसको अंदर करो तब मामला निपटेगा, फांसी पे लटकाओ तो ये अधिकार मुझे तो नहीं है। साथियों बयान क्या है एक बार भाई, सारे भाई जुड़ जाओ और इस लाइव को दबा के शेयर कर दो। बयान क्या दिया ये आपको वीडियो क्लिप छोटी सी दिखाई है, इसको हम डाल भी देंगे साथियों, आप सब भी सुन लेना। खिलाड़ी तो कल कहेंगे कि ब्रजभूषण को फांसी पे लटका दो, ये बयान है अजय सिंह चौटाला का। और ये अजय सिंह चौटाला वही है जो ये कह रहा था कि आंदोलन करने से कानून वापिस नहीं हुआ करते हैं, कानूनों में बदलाव हो सकता है वापिस नहीं होंगे। उस समय हम कहा करते थे कि आपके दादा चौधरी देवीलाल सड़कों पे बैठ करके सरकार बदल दिया करते थे, आप तो कानूनों की बात कर रहे हो। उस समय भी इस आदमी ने तिहाड़ जेल की ये सजा काट करके आया है, इस आदमी ने बेशर्मी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, रोज आंदोलन पर बदजुबानी, रोज सरकार के पक्ष में बयान, रोज बीजेपी के पक्ष में बयान, रोज आरएसएस के पक्ष में बयान। और साथियों इस अजय चौटाला ने, इसकी पार्टी ने और इसके बेटे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, इन्होंने हमारा नाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, हरियाणा के सपनों को बेच दिया, बीजेपी की गोदी में जाकर के बैठ गए, हमारा नाश कर दिया इन लोगों ने, इन्होंने हमारी फसल और नस्ल खराब करवाने में अहम भूमिका निभाई है। और तब भी हम कहते थे तीन कानून वापिस होंगे, अजय चौटाला जी आप मुंह दिखा देना, किसानों ने अजय चौटाला के जूत मारे, तीन कानून वापिस हुए आप सबकी ताकत से, मोदी सरकार के घुटने टिके। साथियों अजय चौटाला के मुंह पे खून लगा हुआ है, सैकड़ों किसानों की मौत का जिम्मेदार है अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला। एक तरफ कल दुष्यंत चौटाला कह रहा भाई सारे साथी लाइव जुड़ो और इसको दबा के शेयर करो, अजय चौटाला ने पहलवानों पे बकवासबाजी करी है, जवाब देना जरूरी है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला कह रहा हम खिलाड़ियों के साथ हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। अरे बाप और बेटा दोनों बैठ के बात तो कर लो घर पे। और आज अजय चौटाला क्या कह रहा है कि कमेटी बना तो दी सरकार ने। अरे महाराज कमेटी ने सरकार की दलाली के अलावा किया क्या है, ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के अलावा किया क्या, क्या रिपोर्ट है कमेटी की आप बता दो, आपके पास आई हो तो। अजय चौटाला कह रहा मुकदमा दर्ज तो करवा दिया सरकार ने, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ है, सरकार ने नहीं करवाया, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, जब डंडा आया तब दर्ज करना पड़ा है। पत्रकार पूछ रहे खिलाड़ियों की मांग तो गिरफ्तारी की है, तब अजय चौटाला क्या कह रहे हैं कि खिलाड़ी तो कहेंगे फांसी पे लटका दो, हम लटका देंगे क्या। अरे अजय चौटाला जी एक यौन शोषण का आरोपी, एक अपराधी, एक बाहुबली, उसको फूल माला घालोगे क्या फांसी पे ना लटकाओगे तो, उसको जेल में बंद नहीं करोगे तो उसका स्वागत करोगे क्या। साथियों पूरे हरियाणा को यह स्पष्ट हो गया कि अजय चौटाला और जननायक जनता पार्टी वो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है, वो बीजेपी के साथ है, वो बहन साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया इनके साथ नहीं है, वो पहलवानों के साथ नहीं है, ये बेटा भी बाप भी और पूरी पार्टी भी ये ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है। लेकिन इनको जवाब देना चाहते हैं, तुमने तो कह रहे थे तीन कानून वापिस नहीं होंगे,
घुटने टिकवा के वापिस करवाए कि नहीं करवाए। अब अगला जवाब और ले लो, ब्रिजभूषण शरण सिंह भी गिरफ्तार होगा, जेल में जाएगा। जितना जोर लगाना अजय सिंह चौटाला जी उतना जोर लगा लो। और एक बात और करे, जितनी इज्जत अपनी बेचनी है बेच दो, जितनी हरियाणा की बेचती करवानी है उतनी करवा दो, उतनी बेचती करवा दो जितनी करवानी है। एक साल और पैसे लूट लो हरियाणा में, एक साल के बाद तुम्हारी दुकान हरियाणा में परमानेंट बंद हो जाएगी, उसको ताला मार देंगे लोग। जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला की दुकान परमानेंट हरियाणा में बंद हो जाएगी, जमानत जब्त होगी एक एक बात का और एक एक काम का, चाहे वो किसान और पहलवान, जितनी बकवास करनी है उतनी कर लो, सूद समेत हिसाब करेंगे अजय चौटाला जी आपको बता रहे। और साथियों इस पे अपने विचार भी रखो, इस लाइव को शेयर भी करो, और जो अजय चौटाला ने बोला है इसका ठोक के जवाब भी दो। सबका धन्यवाद, सबको जय जवान जय किसान।